I would request everybody to please stay seats पर बैठे रहिए, please stage पर ना आए। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। Could we have Mr. Sunil Khosla on stage, please? Mr. Sunil Khosla, who is presenting this series. क्या आप भी स्टेज पर आ सकते हैं? Mr. Sunil Khosla. और रमन हंडा मेरा बेटा है और बेटे के नाते उसने मुझे रिक्वेस्ट की है कि माँ मेरी आज मूवी का मुहूर्त है तो आप ब्लेसिंग देने के लिए आई है। सो मैं उसकी रिक्वेस्ट पे आई हूँ ब्लेसिंग देने। तो इस वेब सीरीज में पहली बार आप एक्टिंग करने वाली है, कुछ इस बारे में बताइए, कितने तैयारियाँ की आपने इसके लिए? मैंने एक्टिंग नहीं की उसमें, एक जैसे रमन आता है मेरे पास अपनी टीम को लेके, तो वहाँ पर मेरा छोटा सा एक शॉर्ट्स है जिसमें रमन आता है टीम को लेके, तो वहाँ मैं ब्लेसिंग देती हूँ उसको। रमन आप क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर ब्लेसिंग देने आए हैं? जी, देवी माँ जी की ब्लेसिंग हम लोग को मिली है, इससे बड़ा तो हम कुछ और एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। आज हमारा जिंदगी में जीवन में उद्धार हो गया क्योंकि देवी माँ जी खुद अपने चरण यहाँ पर डाल रही हैं। और ये फिल्म जिसका नाम ही राधे माँ है, राधे माँ का एक मतलब ही है राधे माँ, राधे माँ के जरिए राधे माँ सब अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, अपने बच्चे हैं, उन सबको राह दिखाने जा रही है। ये सिर्फ आजकल गुरु सिर्फ ओल्ड लोगों के लिए नहीं होता है, ये यूथ गुरु हैं, ये रियल एग्जांपल ऑफ मॉडर्न गुरु हैं जो प्रैक्टिकल होना सिखाती है आपको। आज की 21st सेंचुरी में जहाँ हम लोग इतने बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, क्यों नहीं हमारी सोच भी इस तरह बढ़ रही, तो हम मॉडर्न होने को सिर्फ धक्यानुसी होकर सिर्फ लोगों की चुगलियाँ करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, प्रेशर बनाते हैं लोगों के ऊपर, सोशल प्रेशर बनाते हैं जिसके लिए काफ़ी सारे सुसाइड कमिट होते हैं, लोग दोहरी ज़िंदगी जीते हैं, अपने आप से लोग भागते हैं। तो उन सबको अगर मिलना है तो राह दे माँ रास्ता दिखाने का काम करती हैं, जहाँ आपको बहुत प्रैक्टिकल छोटे छोटे सोल्यूशंस देती हैं, और उन सोल्यूशंस को अगर आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आपकी लाइफ बहुत सरल और ईजी हो जाती है, और सक्सेस ये तो आपसे दूर भाग ही नहीं सकती। ऑल राइट रमन, अगर आपकी अगर बात करिए तो किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट आया कि इस तरीके से हम एक वेब सीरीज बनाते हैं उसमें माँ को लेते हैं, किस तरीके से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट? जी, देवी माँ जी से जुड़ा, जब मैं देवी माँ जी से जुड़ा तो मैंने देवी माँ जी के बारे में बहुत सारे परसेप्शन थे मेरे दिमाग में, जैसे सब लोगों के होते हैं, बट जब देवी माँ जी से मिला तो मेरा तो एक तरह का वो परसेप्शन टूट सा गया, और मुझे लगा देवी माँ जी इनको तो लोग जानते ही नहीं हैं, लोग इनके बारे में जो बात करते हैं वो एक्चुअली में इनको जानते ही नहीं हैं और इसी के लिए बात करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जैसे कि आप मीडिया लोग हैं, आप पूरा टैग ले लोगे क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं, बट वो क्वेश्चन मार्क किसी की ज़िंदगी पर अफेक्ट कर सकता है, एक लोगों के मन में एक परसेप्शन बना देता है, एक पिक्चर ऐसी बना देता है तो रियल नहीं होती है, बट हम उतनी कोशिश भी नहीं करते कि हम उस इंसान को जान पाए। तो मेरा छोटा सा एक ये प्यार था माँ जी के लिए कि जो मैं चाहता था कि मैं पूरी दुनिया को रियल राधे माँ से मिलूं, वो जान पाए कि राधे माँ जी की जो ब्लेसिंग है, जो उनकी टीचिंग्स हैं, वो कितनी प्रैक्टिकल और कितनी सरल हैं, और राधे माँ की गुड़िया माँ हैं, ये तो इतनी भोली हैं कि इनको दुनियादारी के उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो ये किसी को क्या मैनिपुलेट करेंगी, और इसी तरह ये सरलता से जीने का ज्ञान देती हैं, ये
सबसे बड़ा एग्जांपल है रियल राधे माँ, सबसे बड़ा एग्जांपल है रियल मॉडर्न इंडिया का। आज अगर इंडिया में राधे माँ जैसे सेंट्स हैं, ये हमारा सौभाग्य है। थे तो आपने वो शायद वो गाना सुना होगा, है रीत जहाँ की है, रीत भारत की बात बताता हूँ। तो हमारे भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब साई आए तो उन पर पत्थर बरसाए गए, राम आए तो उन पर पत्थर बरसाए गए, कृष्णा हुए तो उन पर आरोप लगाए गए। तो राधे माँ तो सिर्फ सेंट हैं, इन पर आरोप लगना तो लाजमी है, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ की रीत है, वो कैसे बदल सकती है। तो क्यों ना आज हम सब मिलकर यूथ ये स्टैंड ले और ये रीत को आज बदल दे। राधे माँ रियल माँ है, राधे माँ कोई भगवान नहीं है, वो नहीं कहती मैं भगवान हूँ, वो मैसेंजर ऑफ गॉड है। वो इस राधे माँ से मैसेंजर ऑफ गॉड भी नहीं हूँ, मैं बस टीचर हूँ, मैं सीखने वाली हूँ। मैं हर रोज एक सीखती हूँ बात, जो मैं सीखती हूँ वो मैं दूसरों को सिखाती हूँ, और मैं ह्यूमैनिटी को मानती हूँ। मैं मैसेंजर भी नहीं हूँ, मैं रोज़ एक नई बात सीखती हूँ, जो मैं सीखती हूँ वो मैं दूसरों को भी सिखाती हूँ कि ऐसे करो। ओके मैम, क्या है, एनीबडी हैज अ क्वेश्चन? दे या आई हर्ड यू से समथिंग, एंड यू नीड अ माइक? नो, आई एम साउंड। या एक्चुअली शी इज, एक्चुअली एक बार बोला था मैंने थी फॉर दिस लेडीज वॉइस, आई लव इट। All right. My question is for Amar. Yeah. Yes, Nana, tell me. So how do you feel about the Shreya God? What? Am I wrong, Lord? Well, experience was to, amazing because my first debut. मेरा पहला सबसे बड़ा project है. And I've been in Mumbai from quite some time and I'm really obliged and thankful to Raman that he believed in me and gave me this opportunity ki main kuch, that too I've been casted as a lead. So playing Abhishek Kapoor was quite a challenge for me because my personality is totally and entirely different from what Abhishek is. So I underwent for some workshops and everything. At the end of the web series, meri ye halat ho gayi thi ki I was so much into the character and everything, I was behaving very immature. So Raman ji ko mujhe daant diya, bhai tu Abhishek se bahar aaja, Aman Maheshwari ban ja. So that's how it is, and it's a comic web series. Or it's with a lot of motive, and in the end it is actually a message to all the parents that apne bachcho se khul ke baat kare. It's society pressure ke karan bahut log khul nahi paate hain, so it's a very youth based comic web series, and aur jaane ke liye aapko web series dekhni padegi. So it was amazing, and I'm really thankful to all my friends, my parents, everyone for making it for me, or Natak Entertainment, for Raman and my co-actors. Thank you so much. Dr. Meenakshi Bhanushali, and I am in this web series as an associate producer. मैं रमन की बहुत पुरानी दोस्त भी हूँ. It's like I was attached to Tata Consultancy Services in a clinical research field, but everyone has that creative kida, so it was in me. So then I decided that I have to move to a media, and Raman, he's my a friend, a brother and a guide. He guided me a lot, and now I am with him as an associate producer. So jab pehli baar aapko ye sunaya gaya is concept ke bare mein, kya reaction tha aur kaise agree hue? Actually pehle ye concept shuru hua tha as a लाइन से, इट्स लाइक इट वॉज नो कास्टिंग नो काउच ओनली आउच. ऑन दिस टैग लाइन वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट एंड देन द होल आइडिया डेवलप. बट देन राधे माँ हर्ड दिस, शी ऑल्सो लाइकड इट बिकॉज दिस इज कंसेप्ट अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस, अबाउट द ह्यूमैनिटी. पीपल आर वेरी स्केयर्ड ऑफ पब्लिक, लाइक लोग क्या कहेंगे. मेरा कहना इतना ही है कि लोगों को लोग क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा उनको इस चीज़ से डर लगना चाहिए कि अब अल्लाह भगवान गॉड क्या कहेगा. आप कुछ भी काम करते हो तो आपका डर अल्लाह की तरफ, भगवान की तरफ, गॉड की तरफ रहना चाहिए, नहीं कि सोसाइटी की तरफ. ऑलराइट, जैसे कि आपने कहा आप डॉक्टर हैं एंड अब आप फिल्मों से जुड़ी हैं, सो मतलब क्या चीज़ ज़्यादा टफ मानती हैं आप एज अ पर्सन? दोनों फील्ड एकदम डिफरेंट है. इट्स अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द टू फील्ड्स, बट इट्स अबाउट योर पैशन. आपके लिए कोई भी फील्ड ईजी हो जाती है इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दैट थिंग. सो मेरे लिए डॉक्टर बनना भी एक पैशन था, जो मैंने मेरा पैशन पूरा किया. आई प्रैक्टिस ऑल्सो एंड नाउ आई एम इन टू दिस मीडिया बिकॉज यू आई सेट क्रिएटिव कीड़ा. थैंक यू.
जी मैम लोग हियर चलो आप